हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला कुछ इस टाइप का जो बर्थडे वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ। आपको भी इस टाइप का बर्थडे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको चैनल पर हर दिन देखने को मिलेगी। दोस्तों देखो, कॉपरेटिव वैसे मैंने वीडियो को थोड़ा सा म्यूट कर दिया। आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो, मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से वीडियो को पहले पोस्ट किया, वहां जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, एलर्ट मोशन ओपन कर लेना है। इसी तरह आपको एलर्ट मोशन ओपन करके आपको आ जाना प्रोजर में। प्रोजर में ऊपर में देख रहे हो दो प्रेसेट आपको मिल जाएगा, बिडमार प्रेसेट और आपको सैग इफेक्ट। ये दो प्रेसेट मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप पर, आपको इनपुट कर लेना है। ओके तो दोस्तों प्रेसेंटली इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह आपको बिडमार प्रोजेक्ट आ जाना है और आपको ऑल मटेरियल का भी लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आपको फोन वगैरह जो आपको वीडियो वगैरह आपको जितना ही मिलेगा सारे मटेरियल आपको डाउनलोडिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह आपको देखने के लिए आ जाएगा, तो आपको फोन यहाँ पर एड करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको विशिंग पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पर आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, व्यू ऑल फोन पर क्लिक करना है, यहाँ थ्री लाइन देख रहे हो यहाँ पर क्लिक करके इनपुट फोन पर क्लिक करके अपना गैलरी से आपको फोन जो एड कर लेना है। इस तरह आपको क्लिक करके फोन को आपको क्लिक करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद बैग जाना है और आपको डन कर लेना है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर फोन ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना, प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना, यहाँ आपको एक पीएनजी फोटो मिलेगा, सॉरी आपको एक इमेज मिलेगा, इस वाला इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना, रोटेट वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ आपको रोटेट कर देना है। ओके ऊपर में आपको रोटेट कर लेना है, 90 पर रख लेना है, और इस तरह आपको फोटो पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, फिल कंप्रेशन ये कर लेना है। इसी तरह आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो फोटो पर क्लिक करके इस तरह सॉन्ग्स के ऊपर आपको रखना है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, कहाँ तक आपको इस वाला इफेक्ट देख लेना है, तो आपको आ जाना है 4.04 सेकंड आपको आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करके इस वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक आपको लगा लेना है इस वाला फोटो को, और थोड़ा फोटो को आपको क्या करना है, जूम कर लेना है। ओके इस तरह क्लिक करके आपको जूम कर लेना अच्छे से। ओके तो इस तरह आपको करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक वीडियो एड करना पड़ेगा, तो वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आपको डाउनलोडिंग करना होगा। दोस्तों देखो क्या करना, प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना है और आपको वीडियो का भी लिंक मिलेगा, इस तरह आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस तरह आपको देखने के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना, जो एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पर आपको आ जाना, टैक्स खत्म होने के बाद आगे आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करके जो एक्स्ट्रा होगा वो कट कर लेना। ओके तो कट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ओपेसिटी में आ जाना है और लाइटिंग में लाकर आपको स्क्रीन कर लेना। ओके ओके तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना, इस तरह आपको देखने के आ जाएगा। तो थोड़ा कुछ आपको यहाँ पर जूम कर लेना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा आपको जूम कर लेना। जूम करने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पर क्लिक करना और इफेक्ट वाला ऑप्शन आ जाना है और आपको एड इफेक्ट करना है। एड इफेक्ट करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन आएगा क्लोज कर देना है और यहाँ आपको सर्च करना है जूम। ओके तो इस तरह आपको जूम कर लेना, जूम ब्लर जो आपको आ जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करना है और आपको स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है, और नीचे वाला ऑप्शन जो देख रहे हो आपको 70 पर आपको रख लेना है। ओके 60 या 70 आपको रख लेना है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 65 हम रख लेते हैं, आप 60 या 67 पर आपको रख सकते हो। ओके तो इस तरह आपको रखने, इस तरह वो इफेक्ट देखने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह आपको इफेक्ट देखने मिल जाएगा। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लेकर फोटो ऐड करना, लास्ट तक आपको फोटो ऐड करना। तो यहाँ पर आपको नाम देख रहे मिलेगा, तो यहाँ आपको जो भी नाम देना चाहते दे सकते हो, यहाँ तो हम लिख लेते हैं अलग, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। ओके तो इस तरह आपको जो भी नाम अच्छा लगे, सॉरी जिसका भी ना फोटो होगा इसका नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह आपको डन कर लेना है, जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो कलर वगैरह आपको चेंज करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करें, कलर फिर भी अगर आपको जो भी कलर वगैरह है आपको चेंज करना चाहते हो कर सकते हो इस तरह। ओके देख सकते हो यहाँ पर जो कलर वगैरह आपको चेंज करना चाहते हो कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके तो कलर चेंज करने में यहाँ से लेकर आपको लास्ट तक फोटो ऐड करना है। तो कैसे करना है, तो इस तरह आपको आ जाना है टैक्स पर आगे, तो यहाँ पर टैक्स वाला लास्ट जो खत्म हो रहा है वहाँ पर आ जाना है और प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपको क्या करना, फोटो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके तो आपको क्या करना है, इस तरह फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कंप्रेशन या करना है, नेक्स्ट करके जो एक्स्ट्रा होगा आपको कट करना है, इस तरह कट करना है, प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना है और नेक्स्ट फोटो आपको ऐड करना है, इस तरह थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कंप्रेशन या करना है, नेक्स्ट करके आपको जो एक्स्ट्रा होगा कट करना है, इसी तरह आपको लास्ट तक फोटो को आपको भर लेना है। तो चलो पहले फोटो को हम लगा लेते हैं। ओके ओके तो दोस्तों इस तरह आपको फोटो को लास्ट तक ऐड करने वाला बैग आना है, बैग आने के बाद आपको क्या करना है, सैग इफेक्ट ओपन कर लेना है। तो पहले वाला फोटो पर क्लिक करना, इस तरह क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर आपको कॉपी इफेक्ट करना है और आपको बैग आना है। बैग आने फिर से आपको बिडमार प्रोजेक्ट जो आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह आपको आगे चले जाना है, पहले वाला फोटो पर क्लिक करना है, इस तरह आपको देख रहे हो पहले वाला फोटो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट करना है। टोटल आपको तीन फोटो पर यह इस तरह आपको इफेक्ट को लगाना है, इस तरह क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट करना है। टोटल आपको तीन फोटो को ऐड करना है, इस तरह आप क्लिक करके फोटो पर क्लिक करके पेस्ट करना है। जो यहाँ डबल बिडमार देख रहे हो, इस तरह आपको जूम कर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ जो डबल बिडमार देख रहे हो, डबल बिडमार से आगे जो फोटो होगा वही फोटो आपको छोड़ के फिर से आपको अगले वाला फोटो पर क्लिक करना है,
इस तरह, और इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट करना है। इस तरह फिर से टोटल तीन फोटो को ऐड करना है, तो इस तरह क्लिक करके पेस्ट करना है। तीन फोटो के इफेक्ट को लगाने के बाद फिर से आपको एक फोटो छोड़ देना है, फिर से आपको तीन फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट को लगाना है। ओके, तो इस तरह लगा लेना, मैं जैसा लगा रहा हूँ आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो इस तरह तीन फोटो पर इफेक्ट लगा लेना है, फिर से आपको इस वाला फोटो को छोड़ देना, लास्ट वाला। ओके, तो फिर से आपको बैग आना और आपको क्या करना है, सैग इफेक्ट ओपन करना है। और आपको दो नंबर इफेक्ट जो देख रहे हो, इस वाला इफेक्ट को आपको क्या करना है, इफेक्ट को कॉपी करना है। और आपको बैग आ जाना है, आपको बिडमार प्रोजेक्ट ओपन करके फिर से आपको आगे चले जाना है। जो डबल बिडमार के आगे जो फोटो होगा वही फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट करना है। फिर से आपको आगे तीन फोटो छोड़ देना है, अगले डबल बिडमार का जो फोटो होगा वही फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट करना है। टोटल आपको लास्ट वाला जो इफेक्ट देख रहे हो, तीन फोटो पर आपको इफेक्ट को लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह हम लगा लेते हैं, लग चुका है, देख सकते हो इस तरह आपको लग गया। तो बस इतना ही काम है, शेयर वाला ऑप्शन क्लिक करके आप वीडियो को फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।